आगे से पैसा ही नहीं रुका भाई साहब, बारिश आती गई आती गई आती गई, जब तक भाई साहब नहरा खुद अंदर नहीं चला गया। मैं तो देखा था साइड में, जब स्टोर से पानी पी रहा था, बारिश इतनी तेज करा दी, नारियल पानी भी गिर के ऐसे बह गया। श्री राम हरि कृष्ण जगन्नाथम, मैं आपका छोटू, अरे आरसीबी टीम के लिए जगह बनाओ भगवान श्री, करा दो बंदोबस्त, करा दो, ला दो बाढ़ अहमदाबाद में। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने जीटी के अरमानों पे पानी ही फेर दिया। और यही हुआ कल के मैच में, नेहरा जी और सुमन गिल तो पिच पे अड़े खड़े थे भाई, श्रेयस अय्यर को भी बुला लिया था कि पांच ओवर का कॉन्टेस्ट तो करवा के रहेंगे ताकि दो पॉइंट अगर जीटी को मिल जाते, अगर पांच ओवर का कॉन्टेस्ट होता तो क्या पता दो पॉइंट जीटी जीत भी जाती, क्योंकि केकेआर तो शायद कल ऑप्शन यूज करने वाली थी, क्योंकि कल ग्राउंड पे ना उनके सुनील नारायण दिख रहे थे, ना उनके अंडरसल दिख रहे थे, छोटे मोटे वही जो रमनदीप होते हैं, रमन वो रिंकू सिंह होते हैं, ये सारे प्लेयर आ रखे थे बाहर। तो कल तो केकेआर बिल्कुल ऑप्शन यूज करने वाली थी, लेकिन भगवान का और छोटू का रचाया हुआ खेल वो फिर से आरसीबी को ले गया एक एक कदम और एक टीम और हो गई एलिमिनेट। लोग कह रहे हैं ये तो आर्टिफिशियल रेन कराई थी भाई, सीधा सीधा। वैसे यार गुजरात वैसे भी भारतीय, गुजरात नेट रन रेट इतना खराब था, बचे हुए दोनों मैचों में मार्जिन 400 से 500 रन का था, बहुत ज्यादा मार्जिन, इतना तो वो बना भी नहीं पाते। वो बात तो ठीक है कि मार्जिन इतना था कि वो पॉजिटिव आना बहुत मुश्किल था, लेकिन बात होती है ना कि 14 पॉइंट पे पहुंच के वो मिल जाते सेटिस्फेक्शन, अच्छा कि 14 पॉइंट पे तो पहुंच गए थे, नेट रन रेट के चक्कर में नहीं कर पाए क्वालिफाई, अब तो यही हो गया कि ऑफिशियली एलिमिनेट हो गया। और क्या नाम है, केकेआर भाई साहब पक्का हो गया कि क्वालिफायर बन और यही आएंगे भाई। केकेआर वालों के लिए थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि अगर केकेआर कल खेल लेती तो उन्हें तो पिचिंग कंडीशन का पता लग जाता, इन्हें यही तो आना है, इन्हें यही तो, इसलिए तो वो खेलने भी आए थे, तो पिचिंग कंडीशन का पता लग जाता, क्वालिफाई में कैसे को क्या चेंजेस करने हैं, किस बॉलर से अच्छी मदद मिलेगी, ये सब चीजें पता लग जाती, तो एक मजबूत कदम रखते थे फाइनल की तरफ भाई। वही बात है ना, पर देखो आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे ना, अब नेहरा तो कर रहा था गंभीर की उंगली, भाई पांच ओवर खेल ले तू तो ऊपर वही है, हमें भी कुछ हो जाएगी मदद, बट यार कोई अपना प्लेयर रिस्क नहीं करना चाहेगा ना, मान लो इतनी बारिश है, वर्ल्ड कप भी है आपका प्लेयर, वर्ल्ड कप भी, यार देखो ग्राउंड अच्छा था, इंजरी हो जाएगी, इंजरी थी, ग्राउंड से तो नफरत, मुझे नफरत तो है, मैं वैसे आउटफील्ड की बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड में अगर बारिश रुक जाती ना तो 30 से 40 मिनट मिनिमम इतने में ही वो सफाई हो जाती और प्लेयर आगे से पैसा ही नहीं रुका भाई साहब, बारिश आती गई आती गई आती गई, जब तक भाई साहब नहरा खुद अंदर नहीं चला गया। मैं तो देखा था साइड में, जब स्ट्रॉ से पानी पी रहा था, बारिश इतनी तेज करा दी, वो नारियल पानी भी गिर के ऐसे बह गया। डीजल तो बिल्कुल ही नहीं रुकी थी, क्योंकि एक टाइम पे बारिश भी रुक गई थी, कवर भी हटा दिए थे, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी डीजल हो रही थी ना वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो यही है भाई साहब, जीटी पूरा पानी फिर गया, ये तो छोड़ो पानी तो फिर गया, लेकिन एक ट्रेड की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू भाई, वही हुआ भाई, जैसे हार्दिक पांड्या गया जीटी भी पस्त हो गई, और तुम्हारी जो मुंबई इंडियंस थी वो तो भैंचो सबसे पहले एलिमिनेट हुई है। तो भाई एक ट्रेड ने दोनों टीमों को डुबा डाला, ना वो वहां अच्छा कर पाया, और यहाँ पे इतनी अच्छी फॉर्म में था बंदा, यहाँ पे जितना प्यार मिल रहा था ना उसे, वो सारा प्यार भी गवा दिया। वही तो बात है, अब भाई वही बात है, देसी घी कुत्ते को नहीं हजम होती। अब तो सिर्फ कॉन्टेस्ट में सिर्फ तीन टीम रह गई आपकी, आरसीबी, डीसी और एलएसजी, क्योंकि डीसीबी ऑलमोस्ट बाहर है। हां डीसीबी ऑलमोस्ट बाहर है, क्योंकि बहुत तगड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, 250 भाई, कहां से जीत जाएंगे। तो एलएसजी पे तो फिर भी दो मैचेस है, तो अगर डीसी ने एलएसजी को हरा दिया ना तो उनका भी रास्ता कठिन हो जाएगा। और बाकी यही था कल के मैच में, तो जीटी ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुकी है, और अपनी जो केकेआर है वो यहीं पे अपना क्वालिफायर वन खेलेगी। अब सुमन ना सारा का सारा फोकस अपना कहीं और कर सकते हैं, सारा का सारा फोकस सारा पे ही रहेगा। क्या कह रहे थे वो, मैं पूछ रहा था क्वालिफायर कब है अपना, 21 मई को। 21 मई को क्वालिफायर वन खेला जाएगा, तो आपसे मिलते हैं आगे की वीडियोस में। ऑल्सो थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर मैक्स प्रोटीन, स्टे ट्यून्ड।